नमस्कार दोस्तों यूट्यूब चैनल कुशवाहा सिंह में आपका स्वागत है आज मैं लेकर आया हूँ आर पी एफ जो भर्ती निकाल ची है उसकी पूरी डिटेल दूंगा फिजिकल और रिटर्न के किस कैसे प्रोसेस हो गया और फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस हैं और रिटर्न में क्या क्या प्रोसेस है ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो के नीचे लाल बटन लिखा सब्सक्राइब पीछे उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना दबाना भूलें थैंक यू फ्रेंड चलिए मैं बात करता हूँ इसमें आर पी एफ ने भर्ती निकाली है आठ सौ छः आठ हज़ार छः सौ उन्नीस पदों की जिसकी ऑनलाइन होने की तिथि है एक छः दो हज़ार अट्ठारह से और इनका लास्ट डेट है तीस छः दो हज़ार अट्ठारह आप बड़ी ध्यानों से इन डेटों को रखें इसलिए कि इसी डेट से आप ऑनलाइन करने वाले हैं चलिए फ्रेंड मैं आगे की मैं बात करता हूँ चलिए मैं बता दूँ आपको पहले इसका फर्स्ट स्टेप है इसमें एग्ज़ाम होगा जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ये आर ने ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगा और सेकेंड स्टेप है इसका फिजिकल फिजिकल टेस्ट थर्ड स्टेप है इसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई चलिए मैं अब बात करता हूँ रिटर्न की रिटर्न में ये आपको रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे एक सौ बीस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और पैंतीस पैंतीस करके रहेंगे पैंतीस तो मैं बता दो आपको पैंतीस क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग से और पैंतीस मैथ से और पचास रहेंगे जी के एन जी एस से आपको मिला कर रखे रखा जाएगा इसका एक्ट टाइम है डेढ़ घंटा नब्बे मिनट समय है आपको एक सौ बीस क्वेश्चन सॉल्व करना है ये बड़ी ध्यान में रखिए आपको एक मिनट से भी बहुत कम समय मिलेगा इस पर आपको बहुत कंट्रोल करके इसमें सॉल्व करना पड़ेगा सॉरी जो एग्जाम मतलब जो क्वेश्चन आता है उसके चलिए मैं नेक्स्ट बात करता हूँ ये क्वेश्चन ये आप निगेटिव मार्किंग क्वेश्चन रहेगा वन बाई थर्ड आप गलती करते हैं तीन क्वेश्चन तो एक नंबर आपका कट जाएगा तीन क्वेश्चन से चलिए मैं अब नेक्स्ट बात करता हूँ आगे की प्रोसेस क्या है चलिए मैं मैं फिजिकल की बात करता हूँ फिजिकल क्या आपको मैं बता दूँ मेल सोलह सौ मीटर की दौड़ है जो मेल के लिए वो पाँच पैंतालीस पाँच मिनट पैंतालीस सेकेंड करना है इसका वन चांस मिलेगा और ये आठ सौ मीटर की दौड़ होगी फीमेल के लिए तीन मिनट चालीस सेकेंड ये भी वन चांस मिलेगा उमेन के लिए भी फीमेल के लिए भी सॉरी ये हाई जंप जो रहेगा मैन के लिए चार फीट रहेगा और फीमेल के लिए तीन फीट रहेगा इसको टू चांस मिलेगा लॉन्ग जंप भी चौदह फीट रहेगा मेल के लिए और फीमेल के लिए नौ फीट रहेगा इसका भी टू चांस मिलेगा फीमेल को चलिए मैं आगे की बात करता हूँ चलिए अब हाइट की मैं बात कर लूँ जनरल ओबीसी का एक पैंसठ सेंटीमीटर एक सौ पैंसठ सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट अस्सी से पचासी सेंटीमीटर चाहिए और हाइट जो फीमेल का होगा एक सौ सत्तावन सेंटीमीटर चाहिए एस टी एस टी के लिए मैं बता दूँ एस टी एस टी के लिए हाइट एक सौ साठ मिनिमम चाहिए चलिए मैं चेस्ट की बात करूँ चेस्ट इसमें जो दे रहा है उसके अनुसार नहीं आप कम से कम एस टी एस टी भी हैं तो लेकिन सेवनटी सेवन आप सोच कर रखिए सेवेंटी सेवन और इसका आप पाँच सेंटी में पुश करिएगा एट्टी टू हो जाएगा इसलिए कि इसमें जो लिखता है उससे थोड़ा वो मंगता ज़्यादा है इसलिए चलिए हाइट में मैं फीमेल की हाइट की बात कर एक सौ बावन सेंटीमीटर चलिए मैं फ्रेंड आगे बढ़ता हूँ अभी तक का इसी प्रोसेस है मैं अब बता दूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन लिखा हो सब्सक्राइब प्लीज़ दबाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें मैं जल्द ही मैं अपलोड करने वाला हूँ उसका सिलेबस जिसमें आपको पूरी चैप्टर बाय चैप्टर है इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आने वाला है थैंक यू फ्रेंड मेरे वीडियो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले